नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, मौर्य वंश के आज प्रथम शासक के बारे में हम कुछ जानेंगे। प्रथम शासक की बात की, जिस तरीके से हमने कहा कि मगध साम्राज्य के पतन के पश्चात जो अंतिम नंद वंश के शासक होते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक धननंद होता है, उसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करके कौन से वंश की स्थापना कर दी जाती है, मौर्य वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, पहले हमने जो मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व की जो तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में जाना, किस तरीके से जो अंतिम यूनानी शासकों का जो पश्चिमोत्तर में जो अधिकार हो जाता है, अगर बात की जाए सिकंदर के आक्रमण के समय, उस समय की परिस्थितियां रहती है, और नंदों के शासन से जो घृणित शासन से जनता क्या करती है, घृणा करती है नंदों से, उसी दौरान इनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया जाता है, मौर्य वंश की स्थापना कर दी जाती है। इसमें जो उसके प्रकांड और प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं, उसके जो आगे जाके प्रधानमंत्री भी रहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के जो चाणक्य हैं उनके द्वारा क्या की जाती है, उसकी सहायता की जाती है। तो आज हम जो इतिहासकारों में हमें जो मतभेद देखने को मिलता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य था कौन, इसकी जाति को लेकर दो अलग अलग मत प्रतिपादित किए गए। उन दोनों मतों की जो आज हम दोनों मतों के बारे में जानेंगे, जिस तरीके से बात की जाए चंद्रगुप्त जाति से क्या था, क्षत्रिय शासक था या शूद्र शासक था, उन बारे दो मत प्रतिपादित है इतिहासकारों के द्वारा। और प्राचीन ग्रंथों में अगर बात की जाए, प्राचीन जो ऐतिहासिक स्रोतों की बात की जाए, जिसमें जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं, उनके द्वारा तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया जाता, क्षत्रिय बताया जाता, और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा एक स्वर में क्या कहा गया, इनको जो शूद्र कहा गया। अब उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से जो ग्रंथ हैं उनमें जो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया, और कौन से ग्रंथों में उसको जो क्षत्रिय कहा गया। ये जाति से कौन था अगर बात की जाए, प्रथम जो ऐतिहासिक शासक होता है और इसकी जाति क्या थी, इसको लेकर जो हमें जो भिन्न भिन्न मत देखने को मिलते हैं, जिसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी कई विद्वानों के द्वारा आगे पीछे स्थिति में कुछ फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत जो मतभेद है। मूलतः इसका शासन 322 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक इसका शासनकाल रहता है। अब इसकी जाति के बारे में हम आज भरेंगे जो बात करेंगे, जो धर्म ग्रंथों में तुम देखोगे तो इसमें क्या उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो इसे शूद्र बताया गया, ये ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा बताया गया। अब ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जाए, क्योंकि इन तुम देखो कि मौर्य शासकों के द्वारा जैन और बौद्ध धर्म को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, हो सकता है जो क्रोधित्वश इनके द्वारा, जो ईर्ष्यावश इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, क्षुब्ध होकर इनके द्वारा इनको जो ये शूद्र बता दिया गया होगा, लेकिन इसमें कितनी सत्यता है उस बात को हम देखेंगे। जिसके तहत पुराणों की बात की जाए तो पुराणों में ये साफ साफ लिखा हुआ मिलता है हमें। अलग अलग बात की जाए, पुराणों में जो धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथ, उनमें उल्लेख मिलता है कि शिशु नाग वंश का जब शासन समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात आने वाले शासक कौन होंगे, शूद्र हो गए। यानी कि शिशु नाग वंश के शासकों के शासन की समाप्ति के पश्चात शूद्र शासकों के द्वारा शासन किया जाता। हालांकि तुम देखो मौर्य वंश के पश्चात सुंग और कुवन और सातवान वंश होते हैं, लेकिन वो तो ब्राह्मण होते, तो उस बात पर हम कितना यकीन करें, कितना विश्वास करें, लेकिन पुराणों में हमें यही बात देखने को मिलती है। उनके द्वारा कहा जाता है कि लंबे समय तक, यानी शिशु नाग वंश जब समाप्त हो जाए, उसके पश्चात शासन करने वाले शासक कौन होंगे, शूद्र जाति के होंगे। तो उसको अगर आधार मान लिया जाए तो उसके अनुसार तो क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य बन जाता है शूद्र, यानी कि शूद्र जाति में जन्म होता है। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ में हमें उल्लेख मिलता है, श्रीधर स्वामी है जो इन्होंने विष्णु पुराण पर टीका लिखी है। जो विष्णु पुराण, जैसे मैंने बताया, गरुड़ पुराण है, मत्स्य पुराण है, कई पुराण है, उनमें से इन्होंने विष्णु पुराण पर टीका लिखी है। टीका और भाष्य एक ही चीज़ होता है। एक जो पहले से जो पुस्तक है उसी पे जो दूसरी पुस्तक को लिखना, उसको आधार मानते हुए जो दूसरी पुस्तक को लिखना, वही क्या कहलाती है, टीका कहलाती है। तो श्रीधर स्वामी ने किस पे टीका लिखी, जो विष्णु पुराण पे टीका इनके द्वारा लिखी जाती है। अब उन्होंने अलग ही उल्लेख किया, इन्होंने क्या बताया, विष्णु पुराण पे जो इन्होंने टीका लिखी है, तो इन्होंने कहा कि कोई नंद राजा होता, नंद राजा की जो उपपत्नी होती है, उपपत्नी से ये चंद्रगुप्त मौर्य पैदा होता है। उपपत्नी का नाम भी इसके द्वारा कहा गया कि इसका नाम था मूरा। यानी कि चंद्रगुप्त नंद राजा की जो अन्य पत्नी होती है, उपपत्नी मूरा, उससे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। और इसी कारण कहते हैं कि जब ये मूरा से पैदा होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मौर्य कहा जाता है। इस बात को इसके द्वारा, श्रीधर स्वामी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब इस बात में कितनी सत्यता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो
अन्य राजा था, सॉरी नंद राजा था, उसकी दूसरी पत्नी थी, चाहे वो दासी होगी संभवतः, तो उसी से जो मोरा नाम की दासी उससे पैदा होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मौर्य कहा जाता है। ये बात श्रीधर स्वामी के द्वारा कही गई है, जो विष्णु पुराण के टीकाकार है। और मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो नाटक है, और इसके लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखा गया, विशाख दत्त के द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा ये नाटक लिखा गया। ये नाटक है, इस नाटक में हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन बताया गया है, यानी जो निकृष्ट कुल का बताया गया, और उसके अलावा वृषल भी कहा गया। वृषल का मतलब इतिहासकारों ने, तत्कालीन विद्वानों ने शूद्र माना है। वृषल का अर्थ क्या माना है, शूद्र माना है। इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, जाति से शूद्र था, कुलहीन था। ये मुद्रा राक्षस के जो लेखक है नाटक के, विशाख दत्त के द्वारा ये कहा जाता है कि नंद राजा था, उसकी कोई अवैध संतान था, नहीं कि लीगल में, ये इलीगल यानी कि अवैध संतान नंद राजा की, जो अन्य कोई किसी दासी से पैदा हुआ होगा, किसी उपपत्नी से पैदा होगा। ये बात मुद्रा राक्षस में जो कही गई है, और चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन और वृषल भी इनके द्वारा बताया गया। अब बात करते हैं ढूंढीराज, ढूंढीराज के द्वारा भी मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी जाती है। इस नाटक होती है, इस नाटक पर टीका किसके द्वारा, ढूंढीराज के द्वारा लिखी गई। अब ढूंढीराज के द्वारा अपना अलग ही मत प्रतिपादित किया है, ढूंढीराज के द्वारा कहा गया, यही बात इसके द्वारा कही गई है कि जो ये नंद राजा होता है, नहीं सॉरी, इसके द्वारा कही जाती है, एक सर्वार्थ सिद्ध नाम का राजा होता है। ये ढूंढीराज कहता है, नई कहानी बनाता है, और इसने कहा कि सर्वार्थ सिद्ध नाम का राजा होता है, जिसके दो पत्नियां होती है, एक तो सुनंदा होती है, एक मूरा होती है। अब ये सुनंदा से तो नौ बच्चे पैदा होते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, नवनंद कहलाते हैं। और इस मूरा से, ये जाति से क्या थी, शूद्र थी, और इससे पैदा कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य पैदा होता है, और इसीलिए ये क्या कहलाता है, शूद्र मौर्य, सॉरी मौर्य कहलाता है, मूरा नाम की जो इसकी माता होती है। ये बात किसके द्वारा कही गई है, इसके द्वारा गई। और ब्राह्मण ग्रंथों में एक स्वर से जो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, शूद्र कहा गया। इसी दौरान जो कथा सरित सागर और व्रत कथा मंजरी है, कथा सरित सागर है एक तो, कथा सरित सागर सागर और व्रत कथा मंजरी, इन दोनों ही पुस्तकों में अगर बात की जाए, दोनों पुस्तकों में इनके द्वारा भी जो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, शूद्र कहा गया। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है जो सारे के सारे एक स्वर में क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, जाति से शूद्र था। उसके अलावा अब बात करते हैं जाति से क्षत्रिय बताने वाले ग्रंथों की, अगर बात हुई साहित्य की बात की जाए, तो जैन और बौद्ध ग्रंथ है। जैन और बौद्ध धर्म में, साहित्य में जो बात की जाए, चंद्रगुप्त मौर्य को स्पष्ट रूप से क्या कहा जाता है, क्षत्रिय कहा जाता है, कि क्षत्रिय जाति में इसका क्या होता है, जन्म होता है। इसी दौरान जो महावंश है, महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है, इसके बाद इसमें जो लिखा गया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो विवरण हमें मिलता है, उसमें कहा गया कि मौर्यों की एक शाखा थी, मौर्य की एक शाखा थी, जो मौर्य एक शाखा थी, जो पहले तो जो बात की जाए पिपली वन की तरफ चले जाते हैं, जो कौशल नरेश विरुद्धक होता है, उसके संहार से बचने की, उसके द्वारा उन पर आक्रमण किया जाता है, और उस शाखा को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ये मौर्य शाखा के लोग थे। ये जो शाक्य शाखा है ना, एक हमने पढ़ा था शाक्य शाखा, जहाँ वज्जी संघ में उनका क्या था, शासन था, उसी शाखा से संबंधित शाखा है जो मौर्य शाखा है, मौर्य शाखा। इस मौर्य शाखा के ही ये लोग होते हैं, इसका मतलब इनके द्वारा कहा गया स्पष्ट रूप से महावंश के द्वारा कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य कौन होता है, जाति से क्षत्रिय होता है। जब इनके ऊपर जो कौशल नरेश विरुद्धक के द्वारा आक्रमण किया जाता है, तो ये पिपली वन यानी नेपाल की तराई की तरफ चले जाते हैं। ये बात इनके द्वारा कही गई। और महापरिनिर्वाण और दिव्यावदान, ये जो धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, जो इससे में भी ये बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य है जो कौन था, क्षत्रिय शासक था। ये बात एक सुर में इनके द्वारा भी कही गई है कि ये क्षत्रिय शासक था। उसके अलावा जो परिशिष्ट पर्वन है, परिशिष्ट पर्वन है, ये कौन सा है, जैन ग्रंथ है, ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसमें भी यही बात कही गई कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, तो इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो मोर जाति, जो मोर पालने वाले एक जाति होती है, जो मयूर पोषक यानी मोर पालने का काम करती है, और उसका एक जो सरदार होता है, मुख्य होता है, उसी का पुत्र कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य होता है। और जो जाति से क्या, क्षत्रिय बताया गया है कि मोर पालने वाली जो जाति होती है उसका मुख्य होता है, उसके घर पर जो किसका जन्म होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। परिशिष्ट वर्मन पर्वन में ये बात कही गई है। तो ये जो जैन और बौद्ध ग्रंथ जो एक स्वर में इसको क्या मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं। यूनानी लेखकों के द्वारा इसकी जाति के बारे में हालांकि
ज़्यादा उल्लेख किया नहीं गया, लेकिन फिर भी जस्टिन के द्वारा कुछ इसकी जाति के बारे में बताया गया, पूर्ण रूप से तो नहीं बताया गया। जस्टिन तो यही कहता है सिर्फ कि इसका जो जन्म होता है, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है, वो निम्न स्तरीय अवस्था में पैदा होता है। अब इसके द्वारा ये जाति से संबंधित नहीं है, इसकी सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित करता है कि संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य का जब जन्म होता है तो इसकी सामाजिक स्थिति क्या होती है, कमज़ोर होती है, न कि जाति। तो स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, हालांकि इतनी टिप्पणी हमें देखने को मिलती है, और यही उल्लेख जो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में हमें जो साहित्य में देखने को मिलता है, चाहे ब्राह्मण साहित्य को ले लो, चाहे तुम जैन और बौद्ध साहित्य को ले लो। अब उसी दौरान बात की जाए तो ये बात कहाँ तक संभव थी, कहाँ तक सही थी, कहाँ तक गलत थी, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहना तो काफ़ी मुश्किल होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो वाकई में ब्राह्मण था, जो शूद्र जाति का था या क्षत्रिय जाति का था। तुम देखो कि ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा तो यही कहा गया वो शूद्र का है, बाकी जैन और बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं वो क्षत्रिय। हालांकि बात की जाए तो इनकी ऐतिहासिकता और प्रमाणिकता ज़्यादा होगी जैन और बौद्ध ग्रंथों की, क्योंकि उस वक्त तुम देखोगे जैन और बौद्ध ग्रंथ धर्म का कितना प्रचलन था और उसमें जो ऐतिहासिक जानकारी हमें काफ़ी प्राप्त होती है। तुम देखोगे महात्मा बुद्ध के जन्म के पश्चात जो बौद्ध धर्म का उत्थान होता है, तो उस दौरान जो, अब इसमें बात की जाए तो ब्राह्मण ग्रंथों में ये बात क्यों लिखी गई, जैन ग्रंथों में ये बात कैसे लिखी गई। और अगर बात की जाए, खुद कौटिल्य ये कह रहा है, जो अर्थशास्त्र का लेके कौन होता है, कौटिल्य होता है, विष्णुगुप्त होता है, चाणक्य जिसे कहते हैं, उसके द्वारा जो अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा गया कि उच्च कुल का दुर्बल राजा जो नीच कुल से उत्पन्न प्रबल राजा से भी श्रेष्ठ होता है, इसके द्वारा कहा गया, ये बात साफ साफ कही गई है। चंद्रगुप्त जो मौर्य का जो प्रधानमंत्री होता है, इसने कहा है कि जो उच्च कुल में जाए दुर्बल राजा ही पैदा हो, लेकिन वो नीच कुल के जो प्रबल राजा होता है उससे भी क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ये बात कहने वाला चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री है, अगर चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता, जाति से शूद्र होता, तो वो उस पर उसको सिंहासन पे थोड़ी ना बैठा था। अरे कौटिल्य उससे कैसे बैठा था, क्योंकि राज्य पे अधिकार करने में उसके द्वारा ही जो सहयोग किया जाता है। तो इन परिस्थितियों में ये कह पाना मुश्किल है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। संभवतः अगर बात की जाए तो इस चाणक्य की अगर हम बात को देखें, अर्थशास्त्र में ये बात लिखता है, तो ये ऐसा कहने वाला व्यक्ति जो निम्न कुल के व्यक्ति को कैसे बैठा देगा सिंहासन पे, अगर बात की जाए तो ये मत हमें अच्छा प्रबल लगता है कि संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, जाति से क्षत्रिय ही था। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने भी अपना मत प्रतिपादित किया और उन्होंने कहा कि ये कारण इसके पीछे ये जो ब्राह्मण ग्रंथों की खीज होती है और क्षुब्ध होकर उनके द्वारा जो अपने ग्रंथों में लिख दिया जाता है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बता दिया। एक तो इसके द्वारा जो सेल्यूकस की पुत्री हेलना से विवाह किया जाता है, और इसी कारण जो ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा इसे पतित मान लिया जाता है, और उसके अलावा जो जिस तरीके से इनके द्वारा जैन और बौद्ध धर्म को क्या किया जाता है, जो प्रोत्साहन दिया जाता है, समर्थन, तुम देखो कि अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु जो जगह जगह प्रचारक भेजे जाते हैं, इन चीज़ों के कारण ही जो क्षुब्ध होकर इनके द्वारा क्या कहा दिया जाता है कि ये जाति से शूद्र होता है। तो ये मत हमें देखने को मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में जाना। जाति से संबंधित दो मत प्रतिपादित मिलते हैं हमको बात की जाए तो। एक मत में तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, जाति से क्षत्रिय था, और एक मत में बताया गया जाति से शूद्र होता। मूल रूप से तुम्हें यही ध्यान रखना है कि ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा ये बात कही गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है, जाति से शूद्र होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में चाहे तुम पुराण को ले लो, चाहे उसके अलावा तुम श्रीधर स्वामी है उसका जो मत ले लो, मुद्रा राक्षस जो रचना है उसका मत उसमें कहा गया, उसके अलावा जो कथा सरित सागर है, व्रत कथा मंजरी है जो क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई, उनमें हमें यह उल्लेख देखने को मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य को ये ब्राह्मण ग्रंथ एक स्वर में क्या कहते हैं, शूद्र कहते हैं। उसके अलावा जो क्षत्रिय जैन और बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय कहा गया, जिसमें मुख्यतः कौन कौन से ग्रंथ है, महावंश है, महापरिनिर्वाण है, दिव्यावदान है, परिशिष्ट पर्वन है, और ये उल्लेख इन ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को ये जाति से क्या बताते हैं, क्षत्रिय बताते हैं। उसके अलावा यूनानी लेखों का विवरण देखने को मिलता है जो जस्टिस ने उसके द्वारा, हालांकि स्पष्ट रूप से जाति के बारे में नहीं बताया, बाकी जो यूनानी लेखक वो उसकी जाति के बारे में नहीं लिखते, इसके द्वारा लिखा गया। और हालांकि इसके द्वारा सिर्फ यही बात बताई गई है कि जन्म के समय उसकी स्थिति क्या होती है, जो निम्न स्तरीय अवस्था में वह पैदा होता है। अर्थशास्त्र की अगर बात मानी जाए तो ऐसा कहने वाला जो कौटिल्य वो कैसे उसको जो शूद्र जाति के व्यक्ति को शासक बना देगा, तो अंततः विमल चंद्र पांडे के द्वारा यही मत प्रतिपादित किया कि जो ब्राह्मणों के द्वारा
खीज के द्वारा जो क्षुब्ध होकर उनके द्वारा अपनी खीज को निकालने के लिए क्या बता दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बता दिया जाता है। बोलिए, यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी किसी तरह की राय हो, आपकी सलाह हो तो आप निसंकोच बता सकते हो। और मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर के बच्चे थोड़ी ज़्यादा ही लापरवाही कर रहे हैं, वीडियो को बहुत कम देखते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप लापरवाही नहीं करेंगे और वीडियो को नियमित रूप से देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।